हाय गाइस, आप लोग का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वापस एक नए वीडियो देखे आ चुके हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे अपने वर्कवे के चैप्टर 9 के बारे में। आज हम क्लियर करेंगे स्टेज 14। तो यार देखो, स्टेज 14 में हीरो कॉम्बिनेशन या ट्रूप कंपोजिशन या जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो अपना, वो ये रहेंगे। या अब बात सुनो यार, यहाँ पे मेन काम अपना है ये टावर लगाने का। अगर तुम टावर सही से लगा रहे हो ना तो तुम आराम से कर लोगे। यहाँ पे तुम्हें टावर लगाने हैं और उसके बाद देख सकते हो, जैसे मैंने टावर लगा दिया और जब तक टावर रिन्यू हो रहा था वहाँ पे टाइम नहीं था, उसके पहले मैंने सीज वगैरह छोड़ दी, हीरोज़ वगैरह छोड़ दिए, ताकि हीरोज़ जो हैं उसको मारते रहें अपने उनके हीरोज़ को, अपोनेंट के हीरोज़ को, और अपोनेंट के हीरोज़ आगे ना बढ़ पाएँ। उससे क्या होगा ना कि यार देखो, अपना टावर सेफ रहेगा, अपन को रॉक टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सीज भी छोड़ता रहा हूँ मैं ताकि वो टावर टूटते रहें। तो बस यही करना है यार, अगर ऐसे करोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे जब 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 मौका मिले, जब जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे ट्रूप्स उन पर हावी हो चुके हैं, अब तुम्हें ज़्यादा ट्रूप छोड़ने की जरूरत नहीं है, तब तक तुम तुरंत वहीं लगा देना अपना टावर्स, पीछे लगा देना। अब टावर्स क्या करेंगे यार, तुम्हें पता है टावर्स से मारेंगे, मतलब अपोनेंट टर्फ को सीधा मारना स्टार्ट कर देंगे। देखो अभी एक भी ट्रूप नहीं है, अब सारे टावर्स टर्फ को मारना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही अभी ट्रूप्स खत्म होंगे। रुको, अभी मतलब आधो ने तो मारना स्टार्ट कर भी दिया है, लेकिन अभी देखना जब यहाँ पे ये, मतलब एक तो पहले तो इनको हीरोज़ को मार रहे हैं, अपोनेंट के हीरोज़ को मार रहे हैं, तो मतलब एक तरह की डिफेंस भी हो रही है और ऑफेंस तो कर ही रहे हैं। जैसे ट्रूप मर जाते हैं तुरंत टर्फ को मारना स्टार्ट करते हैं, पीछे से अपनी सीज और अपना ये प्राइमर जैसा हीरो काम करता रहेगा अपना, और अपोनेंट का टर्फ तोड़ देगा और अपनी स्टेज आराम से क्लियर हो जाएगी। तो यार बस यार, एंड की जाए वीडियो यहीं पर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।